पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है। गहलोत ने उनसे अपील की है कि बदलती परिस्थितियों में एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। गहलोत ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 महामारी से देश की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सभी राज्यों ने अपनी पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य एवं संसाधनों से कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास किया है। राजस्थान के सियासी संकट में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के बागी विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का कहना है कि पायलट गुट के सभी विधायक 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में उदयपुर जिले के वल्लभ नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने यह दावा भी किया है कि गहलोत गुट के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सुरक्षित है तो विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट क्यों किया गया है। जब शक्तावत से पूछा गया कि क्या विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले पायलट कैंप के विधायक सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला सचिन पायलट लेंगे। राजस्थान में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके जरिए अब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि को बचाने के लिए राजस्थान में जन जागरण करने और इसके लिए राज्य में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता जय बहादुर सिंह शेखावत का रविवार को जयपुर में निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने विहिप नेता जय बहादुर सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच जारी सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। शेखावत ने ट्वीट किया कि गहलोत सरकार का सार, मौज मस्ती, सैर सपाटा, खाना पीना, अंताक्षरी खेलना, फिल्म देखना और दूसरों की गलती निकालना। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर हमला बोला है। राठौड़ ने ट्वीट करके सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि योजना को जन सेवा की भावना, पारदर्शिता एवं जन भागीदारी के साथ लागू किया जाए ताकि यह पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 43,000 के पार हो चुका है और रोजाना मरने वालों की संख्या भी दहाई में आने लगी है। इसे लेकर भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर होती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए सरकार की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में कोरोना का हाहाकार, आलिशान होटल में सो रही कांग्रेस सरकार। देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की रिपोर्ट में देश के सोलर प्लांट्स में राजस्थान में सबसे ज्यादा 1745 मेगावाट कैपेसिटी जुड़ी है। कर्नाटक में 1443 मेगावाट और तमिलनाडु में 1342 मेगावाट के सोलर प्लांट्स जुड़े हैं। राजस्थान में सोलर पॉलिसी के एक साल में लगातार सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। यहाँ 23,000 मेगावाट तक प्लांट्स लगाने की प्लानिंग हो चुकी है। प्रदेश में अगले 3 साल में 30,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स का टारगेट रखा है। इसके साथ सोलर विकिरण के कारण सोलर उत्पादन भी बेहतर हो रहा है। राजस्थान में बूंदी जिले के केशव राय पाटन के पास गुडली गांव में लोग एक युवक को कंधे पर बड़ा मगरमच्छ लादे देखकर हैरान रह गए। फॉरेस्ट विभाग जिस मगरमच्छ को एक महीने से पकड़ नहीं सका उसे गांव के महेंद्र सिंह हाडा ने पकड़ लिया।
गुडली ग्राम पंचायत क्षेत्र की तलाई में लंबे समय से बड़े मगरमच्छ ने डेरा जमा रखा था। वह पालतू मवेशियों का शिकार करने लगा। ग्रामीण इससे परेशान थे। ग्रामीणों की मांग पर फॉरेस्ट अधिकारी कई बार मगरमच्छ को पकड़ने आए, पर तलाई में ज्यादा पानी भरा होने का बहाना कर लौट जाते थे। मगरमच्छ को जब जमीन पर रखा तो वह भागने लगा, पर हाडा ने फिर से उसे दबोच लिया। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी घनश्याम मीणा ने आकर युवक को धन्यवाद दिया। राजस्थान में सीएम गहलोत खेमे के सभी विधायकों को जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ रिसोर्ट में शिफ्ट किया जा चुका है। विधायकों की दिन की शुरुआत योग और कसरत के साथ हुई। इसके साथ नाश्ते की टेबल पर नए होटल और सियासी दांव पेंच की चर्चा जोरों पर रही। रविवार सुबह एक एम्बुलेंस भी सूर्यगढ़ होटल पहुंची। यहां विधायकों का रूटीन चेकअप किया गया। शनिवार को भी सूर्यगढ़ फोर्ट में डॉक्टरों को बुलाया गया था। मौसम में हुए बदलाव की वजह से विधायकों को घबरावट महसूस हुई। अब सब ठीक है। इस बार मारवाड़ में बाबा के जयकारे लगाते पैदल आगे बढ़ते श्रद्धालुओं के जत्थे नजर नहीं आएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। मारवाड़ में जन जन के आराध्य बाबा रामदेव के मेले में हर साल अगस्त माह में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने रामदेवरा पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने रविवार को मेला स्थगित करने की सूचना दी। यह पहला अवसर है जब सदियों से आयोजित होने वाले इस मेले पर रोक लगी है। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने रविवार को जारी अपने आदेश में कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में मेले जैसी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगी है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर शहर में त्योहारी सीजन के दौरान मिठाई विक्रेताओं पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही रविवार को भी दूसरे दिन जारी रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा व सीओ आईईसी विनोद बिश्नोई आदि के निर्देशन में नटराज स्वीट हाउस, अमृत मिष्ठान भंडार, रेवाड़ी बर्फी पर कार्यवाही कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। दोनों अधिकारियों की टीम ने शनिवार को भी तीन स्थानों से मिठाई आदि के सैंपल लिए थे। श्री गंगानगर की राजियासर पुलिस ने रविवार को नेशनल हाईवे पर गश्त के दौरान एक अधेड़ को नशीली गोलियों के जखीरे सहित काबू कर लिया। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे पर करुड़ू फांटा के निकट पंजाब के मुक्सर निवासी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 10,600 नशीली गोलियां बरामद की। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर की पुरानी वादी थाना पुलिस ने गत दिवस मिनी मायापुरी से स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी होने की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार करके चोरी की गाड़ी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 27 जुलाई को मिनी मायापुरी से शिवशंकर शर्मा की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल कर चोरों की पहचान करते हुए काबू कर लिया। चोरी के आरोप में हिंदुमल कोट पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कोठा निवासी अवतार सिंह, कुलविंदर सिंह और गुरजीत सिंह को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। श्रीगंगानगर जिले में रविवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दोपहर में आई रिपोर्ट में 6 मामले घरसाना के बताए गए, सभी BSF कैंपस से हैं। इसके बाद 8 और पॉजिटिव रोगियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी। इनमें सेतिया कॉलोनी गली नंबर 7 और बालाजी स्टेट कॉलोनी में एक एक पॉजिटिव, गांधीनगर में 1, एल ब्लॉक में 1, रवि चौक वार्ड नंबर 13 में 1, प्रभु चौक में 3 पॉजिटिव सामने आए हैं। शाम को तीसरी रिपोर्ट में 7 और मामलों के खुलासे PMO डॉक्टर KS कामरा ने किए, जिनमें विनोबा बस्ती, मदन विहार, अग्रसेन नगर, धिंगरा स्ट्रीट पुरानी बादी, नंद विहार, सेतिया फार्म गली नंबर 9 और साधु शहर वार्ड नंबर 11 में एक एक पॉजिटिव रोगी बताया गया है। जिले में अब तक कुल 276 रोगी सामने आ चुके हैं। देवस्थान एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हनुमानगढ़ जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने रविवार को नोहर में जन सुनवाई की। विधायक अमित चाचाण ने पूर्व पालिका के चेयरमैन राजेंद्र चाचाण के निवास स्थान पर की गई जन सुनवाई में स्थानीय लोगों ने कई समस्याएं उनके सामने रखी, जिसमें रिको इलाके में सड़कों पर पानी भरने, गौशाला के 2000 बीघा जमीन में सिंचाई पानी देने, नोहर साहवा और नोहर सिरसा रोड को ठीक करने, टिड्डी प्रकोप से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर जल्द मुआवजा देने समेत कई समस्याएं रखी थी। इस पर प्रभारी सचिव ने शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। देवस्थान एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हनुमानगढ़ जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने रविवार को नोहर के गांव लालपुरा, कीकरवाली और असरजाना के बीच टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने प्रभारी सचिव को बताया कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी संख्या में टिड्डी अंडे देती है, अगर उसी स्थान पर टिड्डियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिले में काफी कम संख्या में टिड्डी आ पाएगी,
इसी पर प्रभारी सचिव ने कहा कि उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाएगी। जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने रविवार को रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने सेंटर पर की गई मेडिकल सुविधाओं समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्देश दिए। सेंटर में किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इस बारे में तुरंत अधिकारियों को अवगत कराएं। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया, एसटीएम रावतसर शिवा चौधरी व अन्य अधिकारी साथ थे। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।